दोस्त की लव मैरिज करवाने गया उसकी प्रेमिका से एक दोस्त, और उस दोस्त को अपने दोस्त की प्रेमिका आई पसंद, और फिर उसके बाद अपने दोस्त की हत्या कर अपने दोस्त की पत्नी से बनाए शारीरिक संबंध। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मेन रोड की। ग्वालियर के मेन रोड पर एक ढाबा होता है, और आपको पता है ढाबे के पास में ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं। तो ढाबे से थोड़ी सी दूर पर एक ट्रक खड़ा हुआ था सड़क पर, और उस ट्रक के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी एक इंसान की। दोस्तों, लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को ट्रक के नीचे से निकालती है और जांच पड़ताल करती है कि कहीं ट्रक ने ही टक्कर मारकर इसकी मृत्यु तो नहीं कर दी। लेकिन पुलिस जब जांच पड़ताल कर लेती है तो पता चलता है उस व्यक्ति के शरीर पर चाकुओं के निशान थे, और चाकुओं से उसको मार करके खड़े हुए ट्रक के नीचे उसको फेंका गया था। अब दोस्तों, पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है, उसका फोटो खींच लिया जाता है, और फिर उस ढाबे पर पुलिस पूछताछ के लिए जाती है। तो ढाबे वाले बताते हैं कि हाँ, ये हमारे पास खाना खाने के लिए शाम को आया था, और यह ज़्यादातर हमारे ढाबे पर आता रहता खाना खाने के लिए, और यह पड़ोस के ही गाँव का है, इसका नाम है प्रशांत। तो दोस्तों, पुलिस उसकी निशानदेही पर उसके प्रशांत के गांव पहुंच जाती है, और प्रशांत के गांव में पहुंच करके उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है पिंकी, जिसकी उम्र होती है 24 साल, उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारा पति कहां है। तो वह बताती है कि वह तो शराब पीता हुआ घूमता है, मुझे नहीं पता कहां घूम रहा है। उसके बाद पुलिस कहती है पिंकी से, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, किसी ने जान से मार दिया है। तो दोस्तों, पिंकी सीधा ही आरोप अपने सास और ससुर के ऊपर लगा देती है कि मेरे घर वालों ने ही इसे मारा है। दोस्तों, अब पुलिस के दिमाग में एक खटक सी हो जाती है कि यह तो सीधा आरोप अपने घर वालों के ऊपर लगा रही है बिना सोचे समझे। तो अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस प्रशांत की जो कॉल डिटेल्स है उसको चेक की जा करती है, और उससे पुलिस को पता चलता है कि प्रशांत के दोस्तों में एक दोस्त है जो उसके पास ज़्यादातर फ़ोन किया करता है, जिसका नाम है आकाश, जिसकी उम्र 25 साल, उसको उठा लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो वह बताता है कि साहब, मुझे नहीं पता मेरा दोस्त किसने मारा है। और पुलिस फिर जब लोकेशन चेक करती है प्रशांत के फ़ोन की उस समय की जब मर्डर हुआ था, तो पुलिस बताती है, आकाश से कहती है कि तू भी तो वहीं पर था, तेरे फ़ोन की लोकेशन भी वहीं पर थी। तो आकाश बताता है कि हमने और प्रशांत ने मिलकर खाना खाया उस होटल पर, उसके बाद मैं गाँव आ गया था, वह वहीं पर बैठा रहा था, मुझे नहीं पता किसने उसको मार दिया। लेकिन दोस्तों, पुलिस तो अपने केस को छानबीन करने में जुटी हुई थी। तभी क्या होता है, पुलिस अब आकाश के फ़ोन की कॉल डिटेल्स चेक करती है। तो पुलिस जब आकाश के फ़ोन की कॉल डिटेल्स चेक करती है, तो पुलिस को पता लगता है कि प्रशांत की पत्नी का नंबर आकाश के फ़ोन में था, यानी कि पिंकी का नंबर आकाश के फ़ोन में था, और वो घंटों घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। पुलिस का शक अब सीधा आकाश के ऊपर चला जाता है, और आकाश को दोबारा से उठा लिया जाता है, और उससे कहा जाता है कि हमें पता लग गया है, तूने ही प्रशांत का कत्ल किया है, सारी बात साफ साफ बता दो। दोस्तों, आकाश घबरा जाता है और फिर सारी व्यथा पुलिस के सामने खोलने लगता है। आकाश कहता है कि प्रशांत पिंकी से 4 साल पहले से प्यार करता है, और उन दोनों की प्रेम कहानी बहुत दिनों से चली हुई थी। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के ही घर वाले मना कर रहे थे। अब प्रशांत मुझसे आकर कहता है कि क्या तू मेरी लव मैरिज में गवाही देगा, गवाह बनेगा? आकाश प्रशांत से कह देता है, ठीक है, मैं तुम्हारा गवाह बन जाऊँगा। और जब आकाश प्रशांत की शादी में लव मैरिज में जाता है गवाह बनने के लिए, तो वहाँ पर उसकी प्रेमिका को देखता है, पिंकी को, और उसको देखकर मोहित हो जाता है, और मन ही मन सोचने लगता है कि यह तो मेरी पत्नी होनी चाहिए। अब उसके सीने में जलन सी हो जाती है, शादी तो वह करवा देता है। दोस्तों, शादी होने के बाद जो प्रशांत है, वह अपने घर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। खुशी से उनका समय गुजर रहा होता है, शादी के 1 साल गुजर जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, आकाश प्रशांत के घर भी चला जाया करता है, उसकी पत्नी से भी बातें किया करता है हंस हंस के, और अब आकाश ये चाहता है कि प्रशांत की पत्नी मुझसे बात करे। अब दोस्तों, क्या होता है, आकाश अपने दिमाग में प्लानिंग बनाता है कि अगर मैं प्रशांत को शराब पीना सिखा दूं, तो उसे शराब की लत लग जाएगी, और वह शराब ढूंढता हुआ इधर उधर घूमता रहेगा, अपने घर की तरफ अपनी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं देगा, और फिर मेरे पास इसकी पत्नी का फ़ोन आएगा, और मैं पूरी सांत्वना ले लूँगा और उसका प्रेमी बन जाऊँगा। और दोस्तों, उसने ऐसा ही किया। आकाश प्रशांत को अपने साथ ले जाया करता, अपने पैसों से शराब पिलाया करता, और उसको लत लग जाती है, और अब प्रशांत अपने घर नहीं टिकता है, शराब की खोज में इधर उधर घूमता रहता है। उसकी पत्नी उससे परेशान हो जाती है, पिंकी, और फिर अब उस पिंकी का फ़ोन आकाश के फ़ोन पर आ ही जाता है। दोस्तों, अब आकाश पिंकी से बात करने लगता है, हमदर्दी दिखाने लगता है, और उसका कहने लगता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा जीवन भर के लिए। पिंकी भी उसकी बातों में आ जाती है, और फिर अब क्या होता है दोस्तों, अब सिलसिला होता है आकाश का और पिंकी की दोस्ती का।
दोनों एक दूसरे के साथ छुप छुप कर मिल लिया करते हैं और कई बार आकाश प्रशांत को उसके घर ले जाया करता है, वहीं पर शराब पिलाकर बेहोश कर दिया करता है और फिर उसकी पत्नी पिंकी के साथ वह संबंध बनाया करता है। अब दोस्तों आकाश पिंकी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पिंकी कहती है कि प्रशांत तो बीच में है, ये हमारी शादी नहीं होने देगा। फिर उसके बाद आकाश कहता है कि क्या अगर प्रशांत किसी तरह से मर जाए या फिर चला जाए कहीं तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? तो पिंकी कहती है हाँ मैं तुमसे तब शादी कर लूँगी। तो दोस्तों उसके बाद होती है प्रशांत की मौत की प्लानिंग। आकाश अपने एक दोस्त को बुलाता है और प्रशांत को उसी ढाबे पर खाना खिलाने के लिए ले जाता है। पहले उसको शराब पिलाई जाती है, फिर खाना खाने के बाद वहाँ से उठकर चलते हैं तो उसको ट्रक के पीछे ही चाकुओं से घूप घूप कर मार दिया जाता है और ट्रक के नीचे फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद आकाश घर आ जाता है और पिंकी से कहता है कि मैंने तुम्हारे पति को मार दिया है। इस बात को सुनकर पिंकी बहुत खुश होती है कि चलो अब हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। दोस्तों पुलिस के सामने यह सारी घटना वह आकाश बताता है। पुलिस आकाश को और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लेती है और उनको जेल में भेज दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे रिश्ते जिनके ऊपर हम अपने आप से भी ज़्यादा विश्वास करते हैं, जब ऐसे रिश्तों में ही धोखा निकल आए। एक दोस्ती का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र होता है अगर माने तो कोई, और जब ऐसे रिश्ते धोखेबाज निकल आए तो फिर इंसान कहाँ जाए। पहले तो आकाश ने प्रशांत की ज़िंदगी ख़राब की, उसको शराब पिलाई, शराब की लत लगा दी। उसके बाद जब उसका घर खराब हो गया तो उसकी पत्नी को हड़पने की कोशिश की, लेकिन पत्नी को भी वह प्राप्त करने के लिए फिर उसने प्रशांत का कत्ल ही कर दिया। और सबसे बेवकूफ़ वह औरत थी, वह लड़की थी पिंकी, जिसने अपने पति को उस पर मरवाने के लिए जिसने अपने पति को मरवा डाला अपने नए बॉयफ्रेंड के चक्कर में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही कहता हूँ, जब आप लोग किसी से प्रेम प्रसंग करके शादी करते हैं तो वहाँ पर आपके बीच में बोलने वाला फिर आपका ना कोई परिवार का रहता है, आप अकेले से हो जाते हैं और फिर कोई भी घटना घटती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही भुगतनी पड़ती है। इसलिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रेम प्रसंग करके शादी ना करें, हो सके तो घर वालों की मर्ज़ी से शादी करें, जिससे कि अगर घर के अंदर अगर थोड़ी बहुत आफत भी आ जाए तो घर वाले उसको संभाल सकें। आपने देखा होगा जो भी प्रेम प्रसंग करके शादी करते हैं घर वाले नाराज़ होते हैं, तो उनके ऊपर जब आफतें आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो उन दोनों के घर वाले ये कह देते हैं कि हमने तो कहा था शादी मत करो, अब हमें क्या लेना देना इनकी परेशानियों से, तो वो दूर हो जाते हैं और उसी समय उनका घर खराब हो जाया करता है। दोस्तों इस घटना में एक दोस्त ने अपनी इंसानियत को खोया और एक विश्वास को तोड़ा। एक दोस्त ने दोस्त के ऊपर विश्वास किया था और उस दोस्त ने उसकी पीठ में खंजर भोंक दिया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ, दोस्ती करो तो पूरी तरह से छानबीन करके करें, किसी का कोई भरोसा नहीं होता है कोई कब धोखा दे जाए, और कभी भी किसी दोस्त के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना रहें, मैं यही यहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और नेक्स्ट प्रोग्राम में वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।